रामायण का एक ऐसा पात्र जो आज भी जीवित है, चिरंजीवी है, लेकिन इस पात्र के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस नाम के बारे में बहुत ही कम लोगों ने सुने हैं। वो पात्र, वो नाम है काकभुशंडी का। जी हाँ, एक कौए का पात्र, जो कि एक साधारण कौआ नहीं बल्कि श्री राम के सबसे बड़े भक्तों में से एक है। दरअसल काकभुशंडी की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। वो आज भी जीवित है, कहाँ पर रहते हैं, किस हालत में रहते हैं, ये सब कुछ ब्लेडी सत के आज के हैरान कर देने वाले अनोखे एपिसोड में आप लोगों को पता चलेगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वीडियो की शुरुआत करने के लिए आइए चलिए मेरे साथ एक ऐसे जमाने में, एक ऐसे युग में जब कलयुग एग्जिस्ट किया करता था। अब आप लोग सुन के बोल रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये भी तो कलयुग ही है ना। नहीं दोस्तों, ये पहला कलयुग नहीं है, इससे पहले काफी सारे कलयुग आ चुके हैं। इससे पहले काफी सारे त्रेता युग, द्वापर युग, काफी सारे सतयुग आ चुके हैं। समय चक्र अपने आप को बार 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 दोहराता है और बार बार महाभारत का युद्ध होता है, बार बार रामायण होती है। दरअसल दोस्तों, काकभुशंडी एक जमाने में, एक कलयुग में, एक इंसान के घर में पैदा हुए थे। एक इंसान ही थे, एक शूद्र परिवार में, अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। अभी वाले कलयुग में नहीं, बेशक आज से काफी समय पहले वाले कलयुग में। जी हाँ, ये जब उस घर में जन्म लिए तो ये भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे। भगवान शिव के अलावा ये किसी और को भगवान मानते ही नहीं थे। सारे भगवान, देवी देवताओं का निरादर करते थे, किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे और सबको अपशब्द कहते थे। एक बार क्या होता है कि अयोध्या में एक अकाल पड़ जाता है, बड़ा सा अकाल। सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं, तो इनका जो परिवार था और ये थे, या अयोध्या छोड़कर एक दूसरे शहर में जाके बस जाते हैं। लोगों का कहना है कि ये मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में, जो आज के टाइम में उज्जैन माना जाता है, वहां पर आकर बस गए थे। जब यहां पर पहुंचे तो इनकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई, जो ब्राह्मण भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे। लेकिन भगवान शिव के भक्त तो थे, लेकिन वो इनकी तरह नहीं थे जो दूसरे देवी देवताओं का निरादर करते थे। भगवान विष्णु को भी वो सच्चे दिल से मानते थे, लेकिन वो ये नहीं कहते थे कि मैं भगवान विष्णु का भक्त हूं। वो अपने आप को भगवान शिव का भक्त कहते थे। लेकिन ये जो मनुष्य रूपी काकभुशंडी थे, ये हमेशा भगवान विष्णु का निरादर किया करते थे इस ब्राह्मण के सामने। उस ब्राह्मण ने काकभुशंडी को अपना भक्त बना लिया। भक्त बनाने के बाद उन्हें शिव मंत्र सौंप दिया। जब काकभुशंडी ने शिव मंत्र की प्राप्ति की तो और भी ज्यादा घमंडी हो गए। बोले कि देखो, अब तो मेरे पास शिव मंत्र आ गया है, विष्णु की मुझे कोई जरूरत नहीं है। श्रीहरि, मैं तो उन्हें भगवान मानता ही नहीं, किसने बोल दिया कि श्री हरि भगवान है? ऐसा ऐसा करके निरादर करते रहते थे। लेकिन जो उनके गुरुदेव थे, जो ब्राह्मण थे, जो पहले से उज्जैन में रहते थे, वो हमेशा उनको सिखाते थे कि जीवन में अपनी नैया पार करवाना है, सुख और शांति से जीना है, तो श्री राम की भक्ति करो, श्री राम का नाम जपो, उनके भजन गाओ। लेकिन नहीं, काकभुशंडी उनमें से एक नहीं थे। एक बार की बात है, भगवान शिव के मंदिर में वो ब्राह्मण और काकभुशंडी, जो मनुष्य थे बेशक, अभी एक भगवान शिव के मंदिर में गए हुए थे और यहाँ पर भजन कीर्तन कर रहे थे। किसी बात को लेकर ब्राह्मण में और उनके भक्त काकभुशंडी में बहस हो गई। ब्राह्मण देव बोलने लगे कि आप श्री राम का नाम भी लीजिए, श्री हरि विष्णु का भी नाम लीजिए, आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आप उनका निरादर करें। इस बात से वो अपशब्द कहने लगे अपने गुरुदेव को। बस भगवान शिव के मंदिर में आके अपने ब्राह्मण देव, जो कि गुरुदेव थे, उनको वो अपशब्द कह रहे थे काकभुशंडी। तो ये देख के भगवान शिव क्रोध में आ गए। माना जाता है कि उस समय आकाशवाणी हुई। जी हाँ, वो भी एक कलयुग ही था, कलयुग में आकाशवाणी हुई। भगवान शिव ने काकभुशंडी को श्राप देते हुए कहा कि रे पापी, तू अपने गुरुदेव को इस तरह से अपशब्द कहता है, जा आज मैं तुझे श्राप देता हूं कि अभी तू अपनी मनुष्य योनि को छोड़ के एक सर्प योनि को प्राप्त कर लेगा, और यहीं पर सब कुछ खत्म नहीं होगा। सर्प योनि के बाद तुझे हजार अलग अलग योनियां और प्राप्त होगी, और इसी तरह से मृत्यु लोक में अपने रूप बदल बदल के, योनियां बदल बदल के, अगला जन्म ले लेके तुझे ऐसे ही भटकना पड़ेगा। बस ऐसा कहकर भगवान शिव की आकाशवाणी वहां से बंद हो गई। जब ये सारी बात उन ब्राह्मण देव गुरुदेव ने सुनी तो उनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो बहुत दयालु स्वभाव के थे। आखिर भगवान शिव ने उनके ही चेले को, एक तरीके से भक्त को, श्राप दे दिया था। तो ब्राह्मण देव ने शिव जी की स्तुति शुरू की, क्षमा याचना की। काफी समय तक गुरुदेव माफी मांगते रहे अपने भक्त के लिए। बस भगवान शिव ने भी फिर सोच लिया कि देखो कैसा ब्राह्मण है, कैसा गुरु है,
जबकि उसके चेले ने ही उसका निरादर किया। मैंने उसके लिए, उसकी ख्याति के लिए ही उसके चेले को श्राप दिया, वो फिर भी अपने चेले को बचाने के लिए मेरी स्तुति और मेरी पूजा अर्चना कर रहा है। चलो दर्शन दिया जाए। भगवान शिव ने ब्राह्मण देवता को दर्शन दिए। भगवान शिव के सामने ब्राह्मण देवता ने अपने चेले की तरफ से बहुत माफी मांगे। भगवान शिव ने कहे कि हे ब्राह्मण देव, मेरा श्राप कभी व्यर्थ नहीं जा सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि काकभुषंडी 1000 योनियों में जरूर जन्म लेगा, लेकिन हर एक मृत्यु के बाद, हर एक अगले जन्म में उसे पिछले जन्म का सब कुछ याद रहेगा। जी हाँ, यानी कि पूरे 1000 जन्म तक उसकी याददाश्त बनी ही रहेगी, पिछले जन्म की याददाश्त खत्म नहीं होगी। उसका अगला जन्म बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जिस तरह से मनुष्य अपनी अलग वस्त्र धारण कर लेता है, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि वो पुराने वस्त्र को भूल जाता है, अपने शरीर को भूल जाता है। ऐसा काकभुषंडी के साथ नहीं होगा। उसकी मृत्यु बिल्कुल भी दर्द वाली नहीं होगी। मानो कि वो एक वस्त्र ही बदल रहा होगा, उस प्रकार से वो अपना देह भी बदल लेगा। बस इस तरह से कहकर भगवान शिव वहां से अदृश्य हो गए। भगवान शिव अदृश्य हुए तो काकभुषंडी भी वहां से दुखी होकर आगे विंध्याचल पर्वत की तरफ निकल पड़ा। विंध्याचल पर्वत पहुंचा और उसने सर्प योनि को प्राप्त किया। कुछ वर्षों तक वो सर्प वन के ही विंध्याचल पर्वत में घूमता रहा और उसने इस देह को त्याग कर एक दूसरे देह की प्राप्ति कर ली। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया और काकभुषंडी के 999 जन्म पूरे हो गए। अब आया 1000वां जन्म, काकभुषंडी का आखिरी जन्म, आखिरी योनि, जो कि उसे ब्राह्मण, मनुष्य के रूप में प्राप्त हुई। वो एक ब्राह्मण बन गया। जब काकभुषंडी इस जन्म में ब्राह्मण बना तो वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोमश ऋषि के पास पहुंच गया। लोमश ऋषि काफी ज्यादा विद्वान माने जाते थे, लेकिन उसकी इस जन्म में क्या आदत थी कि वो काफी ज्यादा तर्क वितर्क करता था, काफी ज्यादा किसी भी बात के ऊपर बहस करता था। कोई भी बात को एक बार में समझता नहीं था, उसे हर चीज का क्यों और कब ऐसा चाहिए ही होता था। बस एक बार की बात है, लोमश ऋषि ने इसे अपना चेला भक्त तो बना लिया था, लेकिन किसी बात के ऊपर ये लोमश ऋषि से बहुत ज्यादा तर्क वितर्क करने लगा। बस लोमश ऋषि को क्रोध आ गया और क्रोध क्रोध में लोमश ऋषि ने काकभुषंडी को, जो कि अभी ब्राह्मण रूप में था, मनुष्य रूप में था, श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से तू इतना ज्यादा बोल रहा है, तेरी आवाज, तेरे शब्द मुझे चुभ रहे हैं। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस प्रकार से तेरे शब्द, तेरी आवाज मुझे चुभ रही है, पूरी दुनिया को चुभेगी, क्योंकि आज के बाद से तू मनुष्य एक ब्राह्मण योनि में नहीं रहेगा, तू एक कौवे की योनि में चले जाएगा। बस जैसे लोमश ऋषि ने यह कहकर अपना अभिशापित जल उसके ऊपर फेंका, तो वो जो मनुष्य योनि में था काकभुषंडी कौवा बन गया। अब उसे कौवे के रूप में देखकर लोमश ऋषि को काफी ज्यादा दुख हुआ कि मैंने क्या कर दिया। बेचारा मुझसे सवाल ही तो कर रहा था, मेरा भक्त ही तो था, मेरा चेला ही तो था। उनको काकभुषंडी के ऊपर, जो अभी एक कौवा बन चुका था, बहुत दया आई। लोमश ऋषि ने श्री राम के पूरे चरित्र की गाथा इसको सुना डाली, ये कौवा था, श्री राम मंत्र भी सौंप दिया। जब वो कौवा, जो कि काकभुषंडी अब कौवा बन चुका था, भगवान श्री राम के चरित्र के बारे में सुना तो भाव विभोर हो गया। लोमश ऋषि ने कहा कि अब मैं तुझे वापस से मनुष्य बनने का वरदान दे देता हूं, लेकिन काकभुषंडी ने मना कर दिया। काकभुषंडी ने कहा कि पिछले 1000 जन्मों में जिस चीज का ज्ञान मुझे प्राप्त नहीं हुआ, जिस भगवान श्री राम का ज्ञान मुझे प्राप्त नहीं हुआ, वो ज्ञान मुझे एक कौवे की योनि में प्राप्त हो गया, तो इससे ज्यादा अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। इससे ज्यादा अच्छी योनि मुझे कहां मिलेगी जब भगवान श्री राम के बारे में ऐसी ऐसी बातें स्वयं लोमश ऋषि के द्वारा मुझे पता चली है। मैं इस योनि को कभी त्यागूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए। नमस्कार किया और उड़ चला। लोमश ऋषि उसे देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, दुखी भी हुए कि मुझसे गलती होगी। लोमश ऋषि ने उस समय काकभुषंडी को वरदान दे डाला प्रसन्न होकर कि जा काकभुषंडी, आज के बाद तू समय से बहुत ऊपर होगा, समय तेरे अनुसार नहीं चलेगा, समय तेरे लिए कुछ होगा ही नहीं, तू जब भी चाहे, जहां भी चाहे घूम फिर सकेगा, तुझे समय की कोई भी सीमा रोक नहीं पाएगी, मानो कि समय चक्र तेरे लिए पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बस काकभुषंडी को यह वरदान मिला तो ये भगवान राम का तो बहुत ही बड़ा भक्त हो चुका था। भगवान श्री राम का जब भी जन्म होता, काकभुषंडी उनके जन्म वाले समय में पहुंच जाता और उनको बाल रूप में देख के बहुत ज्यादा प्रसन्नचित होता। श्री राम हमेशा ये देखते
कि जब मेरा जन्म होता है, मैं खेल रहा होता हूँ अपने द्वार में, तो एक कौवा आता है, मुझे आदर से देखता है, प्रणाम करता है और चला जाता है। माना जाता है कि काक भुशंडी ने अपने आँखों से 11 बार रामायण देखी, श्री राम की बाल लीला देखी। काक भुशंडी श्री राम का इतना बड़ा भक्त था कि वो भगवान श्री कृष्ण को भी, जो कि भगवान श्री राम ही थे, द्वापर युग में आए थे श्री कृष्ण बनकर, उन्हें भी 16 बार देखा। जब भगवान श्री राम ने देखा कि ये मेरा इतना बड़ा भक्त है, तो भगवान श्री राम ने काक भुशंडी को वरदान दे दिया कि अब तुम केवल समय चक्र के ऊपर नहीं रहोगे, तुम जीवन मरण के भी बहुत ऊपर चले जाओगे, तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी। जिस दिन तुम चाहोगे अपना देह त्याग देना, तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ, चाहो तो हमेशा रहो और जब चाहो तब अपना देह त्याग करके मेरे बैकुंठ में आ जाना। माना जाता है कि काक भुशंडी आज भी जीवित है। ये जो कलयुग खत्म होगा, सतयुग आएगा, फिर रामायण आएगी, यानी कि त्रेता युग आएगा, वो अपनी आंखों से श्री राम का जन्म फिर से देखेंगे, फिर से वो महाभारत देखेंगे, श्री कृष्ण की लीलाएं देखेंगे, फिर से कलयुग आएगा, वो फिर से इस तरह से इस दुनिया में विद्यमान रहेंगे। वो आज भी विद्यमान है, लेकिन इस समय चक्र के अंदर नहीं, इस जीवन मृत्यु के चक्र के अंदर नहीं, वो बल्कि इससे बहुत ऊपर है। वो जिस भी चाहे उस देह को, उस रूप को प्राप्त कर सकते हैं, वो जहां चाहे वहां, जिस समय चाहे वहां जा सकते हैं। उनके लिए संसार की कोई भी सीमा एग्जिस्ट करती ही नहीं है। कहा जा सकता है कि काक भुशंडी आज भी हमारे साथ जीवित है, लेकिन हमारी यह 3 डायमेंशनल दुनिया में नहीं, बल्कि किसी दूसरे आयाम में, हमसे उच्चतम आयाम में। हो सकता है कि वो 4th डायमेंशन, 5th डायमेंशन, 6th डायमेंशन में हो, जहाँ पे समय जैसी कोई चीज़ नहीं होती हो। ये तो 3D में ही चलता है ना, ये हमारे 3rd डायमेंशन, जो हम तीसरे आयाम में रहते हैं, ये सारी चीज़ यहीं पर, लेकिन वो आयाम हमारे साथ ही कहीं ना कहीं किसी और ब्रह्मांड में चल रहा है। और वहाँ पर आज भी मान सकते हैं कि काक भुशंडी श्री राम के चरित्र का किसी ना किसी के सामने वर्णन कर रहे हो। जब आप लोगों को पता है रामायण का युद्ध हुआ था, तो मेघनाथ ने भगवान श्री राम के ऊपर नागपाश चला दिया था। अब नारद जी के कहने पर गरुणदेव वहां पर पहुंचे, और नारद जी के कहने पर, जो कि नागभक्षी थे गरुणदेव, पूरे नागपाश को खत्म कर दिए। लेकिन ये सारी चीज देखकर गरुणदेव के मन में ये एक संकोच आ गया कि क्या श्री राम सचमुच में परम ब्रह्म है? अगर परम ब्रह्म है तो वो कैसे नागपाश से मूर्छित हो गए, नागपाश के सामने हार गए? बस नारद जी ने कहे कि अगर आपके मन में संकोच हो रही है, शंका हो रही है कि श्री राम ही परम ब्रह्म है, तो आप जाइए ब्रह्मा जी के पास, आपको सारी बात पता चल जाएगी, श्री राम कौन है, भगवान श्री राम कौन है, आपको पता चल जाएगा। मैं बताने योग्य नहीं हूं, आपको स्वयं श्री ब्रह्मा जी बताएंगे। बस गरुणदेव पहुंच जाते ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं भी बताने के योग्य नहीं हूं श्री राम की ख्याति के बारे में, आप शंकर जी के पास जाइए। अब शंकर जी के पास पहुंच जाते गरुणदेव, शंकर जी बोलते हैं कि तुम्हें जानना है ना श्री राम की ख्याति के बारे में, श्री राम के बारे में, तो काक भुशंडी के पास जाओ। एक ऐसा कौवा जिसने अपनी आंखों से ना जाने कितनी बार रामायण देख चुका है, वही तुम्हें बताएगा कि श्री राम की ख्याति क्या है और कौन है भगवान श्री राम। गरुण देव अगले ही क्षण में काक भुशंडी के पास पहुंच गए, और काक भुशंडी ने श्री राम के अनोखे चरित्र की पूरी कथा जब गरुण देव को सुनाई, तो गरुण देव भाव विभोर हो गए, और वो भी बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए कि किस प्रकार से मैंने अपने भगवान के ऊपर संकोच किया। तो इस प्रकार की कथा थी इनकी, जो शायद आज आप लोगों को पता चली, शायद अभी तक आप लोगों को पता नहीं रहेगी, और पता होगी भी तो कुछ अच्छा बताने की कोशिश किया हो ना भाई, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूँ। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी भाई, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या कुछ भी बात हो जो आप चाहते हैं मेरे वीडियो के जरिए पूरी दुनिया को पता चले, तो लिंक भेजना इंस्टाग्राम में भाई, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के सुझाव के अनुसार ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो, जय श्री राम।